आप देखो, हम क्योंकि दास ने दोनों जमाने देखे हैं, वो जमाना भी देखा है कि आपस में कितना प्यार होता था हमारे चाचे ताऊ दूर दूर के रिश्तेदारों का, गांव में एक दूसरे का सहयोग करते थे, किसी पर आपत्ति आ जाती थी सब सब सारा का सारा गांव इकट्ठा हो जाता था, उसको हमदर्दी देते थे, हम तेरे साथ हैं, घबराइए मत, कोई बात नहीं, और इतनी मदद करते थे, वह आपत्ति एकदम भूल जाता था इंसान। और आज आज सोचा यूँ मर जाता बढ़िया जल्दी पड़ोसी, और अपने आप को पता नहीं क्या बना लिया, दो अक्षर सीख लिए, कोई अफसर लग गया, और कल मृत्यु हो जाएगी, गधा बनेगा, वो दुख नहीं दिखता इस अध्यात्म ज्ञान के भाव से। तो इस अध्यात्म ज्ञान से हमारी वो मोतियाबिंद समाप्त होगा, जिसके कारण हम बकवाद कर रहे हैं, और एक जीव अपने आप को यहाँ पता नहीं क्या मान बैठा है। तो जीव को अपनी औकात का पता लगे, फिर किसी भी पोस्ट पर रहे वो दास बनकर रहेगा, और जिस कारण से उसके कर्म नहीं बिगड़ेंगे। आज आप देख रहे हो किसी ऑफिस में जाइए, किसी भी ऑफिस में जाइए, कोई ABC कोई कमी नहीं रही किसी कितना भी। और हमने दास ने उसको भी देखा है, नौकरी करके भी देखा है, वहाँ के लोगों का व्यवहार विचार भी देखा है। तो वहाँ की उसको देखकर हम गांव के व्यवहार विचार से व्यवहार से तुलना करता था दास उस समय भी, कि देखो यहाँ और वहाँ में कितना दिन रात का अंतर है, उन लोगों की कैसी वृत्ति है, कैसा व्यवहार है, एक पैसा कमाना अहम है, ना इज्जत करते हैं किसी बड़े छोटे की, बस वो ऐसी बिजली गिर गई। तो कहने का भाव ये है, पुण्यात्मा जब ज्ञान होगा और भक्त बनोगे, आत्मा में डर होगा परमात्मा का, और सामने वाला भी परमात्मा का बच्चा है, और किसी जैसे किसी अफसर के बच्चे को एक नौकर गलत बोल सकता है, उसको गलत व्यवहार कर सकता है, उसको जिसने भांग शराब पी रखी हो वो कर सकता है, लेकिन फिर उसको सजा भी भोगनी पड़ेगी। तो इस प्रकार हमने अकाल की भांग पी रखी है, और हम अपने ही भाई अब इस परमात्मा के बच्चों को सताते हैं छोटे बड़े होकर के। तो इससे आपको डर बनेगा, सच्चाई से परिचित होगे, और चिट्टी से लेकर हाथी तक और रंग से लेकर राजा तक ये जीव हैं सभी, ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी जीव हैं, और कुछ पिछले पनों से थोड़ा सा कोई ऊपर उठा हुआ है तो वो तो ऐसा है जैसे एक वर्षा के दिनों में चींटियां होती हैं पंखों वाली, और वो पंखों वाली चींटियां उड़ जाती हैं, शेष चींटियां वहीं बैठी होती हैं, वो सोचती हैं तो भगवान बन गई, और पता नहीं कहाँ देवताओं तो मिलकाती होगी, और फिर रात में जब बल्लभ जगते हैं वो उड़ के जाती है, उस बल्लभ का टक्कर मार मार कर या दीपक के अंदर पड़ कर जल कर मर जाती है, या बचती हैं तो उसकी पाँख कट जाती है, वह कीड़ी की कीड़ी घिसर रही होती है वहाँ पर। तो आज तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश और देव और यहाँ पर मंत्री मुख्यमंत्री या अफसर बने हैं, ये उन चीटियाँ जैसे समझो जिनका पाँख उगेगी, और ये पाँख कटेंगी एक दिन, कोई रिटायर हो रहा हो ना कोई अफसर, उस तो मिलकर देखियो पार्क में जाके, अब उसकी वो पाँख कटगी, अब वो घिसड़ रहा है वहाँ पर। तो हम फिर इस भगवान के ज्ञान से पहले ही समझ जाएंगे कि हम क्या है, बेशक हमारे पंख होंगी यानी अफसर होंगे, लेकिन हम बकवाद नहीं करेंगे। इस ज्ञान के अभाव से हम अपना कर्म फोड़ रहे हैं, कर्म बिगाड़ रहे हैं। तो ज्ञान होगा तो डर होगा, डर होगा तो बचाव होगा, तो इस ज्ञान से बात बनेगी। अब हम उसी प्रसंग पर आते हैं कि जैसे सतगुरु के उपदेश का लाया एक विचार, जय सतगुरु मिलते नहीं जाते नरक द्वार, नरक द्वार में दूत सब फिर करते खेचा तान, उनसे कभू ना छूटता फिर फिरता चारों खानी। ओए हाय, जिस दिन आपकी अब आंग उतर जाएगी पुण्यात्माओं, यानी इस काल के झूठे सुख और यहाँ के जो झूठी पोस्ट का नशा उतर जाएगा आपका, फिर आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, आप सोचा करोगे हम देख के क्या बने फिरे थे, हम थे क्या, हम सोच क्या बैठे अपने आप को, और ये ज्ञान ना मिलता, सतगुरु ना मिलते,
तो क्या बनता आपके हमारे साथ? परमात्मा अपने ऊपर उदाहरण देकर कह रहे हैं कि जैसे यहाँ से जो मृत्यु हो जाती है, चरंक होते राजा सभी मरेंगे और यम के दूत उनको पकड़ कर ले जाएंगे जो सत भक्ति नहीं करते, और भक्ति भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण कर रहे हैं, तो सभी एक सत्र के प्राणी हैं। जो ना कर रहे और गलत कर रहे हैं उनको यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं, फिर वहाँ धर्मराज के दरबार में आपका अकाउंट करवा के फिर वो उठा कर लठ ऐसे हाँकते हैं लाखों की संख्या में, जैसे डांगर पशुओं का लठ मार मार के और फाटक में रोक क्या करें, और वो वापस भाजे क्योंकि आगे हाहाकार में श्री नरक में, और उन सबको कहा कि चलो लाखों की संख्या में चारों तरफ यम के दूत लठ लिए खड़े सीधे बाल्य ठोके। इस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्राणी मरता नहीं लेकिन पीड़ा बहुत होती है इसको, तो वहाँ वो यम के दूत लठ मार मार के उनको उस नरक की तरफ उस गेट में आगे सरका और वो पीछे भागे, कहते वो खेचा ताड़े पाछत बाले लाकर फिर जबरदस्ती ठोक दिए जाते हैं नरक में, और उसके बाद फिर नरक भोग कर कहाँ जाते, 84 लाख योनियों के इन जीवों के दुखों को भोगते हैं। पुण्यात्मा आज आपको जरा सा महसूस हो रहा है क्योंकि समय पर टूक मिल रहे हैं, कोठी बंगले बना के आप निश्चिंत हुए बैठे हो, अब इस एंटीबायोटिक इस ज्ञान से इन कैप्सूल से आपका नशा उतारा जाएगा पहले तो, जब नशा उतर जाएगा जब तो आप आगे चलोगे, नहीं तो यहीं बैठे बैठे टूल ले जाओगे, तो पहले आपका नशा उतारा जाएगा सत्संग के माध्यम से, और सतगुरु बिना सत्संग हो नहीं सकता, जब कितनी बात बनाओ वो साची कह नहीं सकता, उसके पास सत होती नहीं, उसकी बात में दम नहीं होता, वह कहते हुए सोबर सोचता है कहीं तेरी झूठ ना पकड़ी जा, और यह सारे वचन सत्य हैं, सारा ज्ञान सत्य है, सब मंत्र सत्य हैं, और भगवान हमारा सत्य है, सत साहिब है। तो क्या बताते हैं भगवान के नरक द्वार पे, नरक के गेट पे दूत सब वो करते खेचा ताण, और उन ते कभू ना छूटता फिर फिरता चारू खान, चार खानी में भरमता। चार खानी कौन सी हैं? जैसे कुछ तो अंडे से उत्पन्न होते हैं, कुछ जेर में लिपटे हुए उत्पन्न होते हैं, जो उनको बोलते हैं अंडज, जेरज, श्वेतज और उद्भुत, ये चार प्रकार से जीवों की उत्पत्ति होती है, इनको चार ग्रुपों में बांटा गया है, और इसमें 84 लाख प्रकार के प्राणी होते हैं, जैसे मच्छर मक्खी की पशु पक्षी सारे लगा कर। तो परमात्मा कहते हैं कि उसके बाद फिर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में दुख उठाते, चार खानी में भरमता और कभू न लगता पार, सो फेरा सब मिट गया मेरे सतगुरु के उपकार। ओए होए, अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि इतना आपको बाईपास निकाल दिया सतगुरु ने, और फिर क्या बताते हैं, सात समुद्र की मसीह करूं लेखनी करूं बन राय, धरती का कागज करूं गुरु गुण लिखो न जाए। अब लिख के दिखाओ गुरु के गुण, ऐसे सतगुरु के गुण जो इतने दुखों से आपको बचाएगा, एक कुत्ते की जीवनी लिखन लग जाओ उसके पास गधे की लिखो, फिर सुअर का देखो क्या खाता है कहाँ रहता है, और आप और हम कहाँ रह रहे हैं, ये सुविधा आपको क्यों प्राप्त है? जैसे विद्यार्थी को माता पिता, चाहे मजदूर हों चाहे किसान हों या कोई बिजनेसमैन है, अपने बच्चों को पूरी सुविधा देता है, समय देता है कि बेटा जाओ तुम स्कूल में शिक्षा ग्रहण करो, अच्छी ड्रेस पहनाता है, आपसे फटे पुराने पहनता है उसको अच्छी ड्रेस देता है, और जो बच्चा उस विद्याकाल में शिक्षा समय के अंदर बकवाद करता है, शिक्षा ग्रहण नहीं करता है, आगे जाकर उसको कितना कष्ट होता है। यही सती थी आज आपकी है।
जिनको मानव शरीर प्राप्त है वो उस विद्यालय में प्रवेश प्राप्त हैं जिसमें मोक्ष हो सकता है, मोक्ष होता है, यानी भक्ति के लिए आपको ये ड्रेस अलग से मिली है, ये सुविधाएं मिली हैं, और जो इन सुविधाओं का दुरुपयोग करता है, कोठी बंगले बनाने में अपना जीवन नाश कर रहा है, और यहाँ के ड्रामाबाजी करके ब्याह शादियों में अपनी शानो शौकत दिखाता है, वो महामूर्ख व्यक्ति है इस भक्ति का, भक्ति के मार्ग में। समाज से कुछ भी करो लेकिन भगत के लिए ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। अध्याप विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी सिनेमा देखे, शराब पीवे और ताश खेल सारा दिन, बकवाद कर अपना उद्देश्य नहीं कर रहा है, तो विद्यार्थी बेशक है लेकिन वो उद्देश्य से भटका हुआ। तो ऐसे ही वो दशा उस व्यक्ति की है जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके सत्साधना नहीं करते।